योगी जी, मैं बहुत ही सीधे प्रश्न बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय बहुत कम है और लोग आपको सुनना चाहते हैं। मेरा पहला प्रश्न, क्या जो इस समय प्रदेश में मुफ्त राशन की योजना है, क्या वो चुनाव तक सीमित है या चुनाव के बाद जारी रहेगी या समाप्त हो जाएगी? देखिए चंद्रप्रकाश जी, आप इस बात को देखते हैं कि कोरोना कालखंड में चुनाव तो जनवरी फरवरी 22 में हो रहे हैं, हम लोग योजना चला रहे हैं मार्च 2020 से, यानी अप्रैल से हम लोग खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। 2 वर्ष से लगातार योजना चल रही है और चली नहीं रही है। देखिए इस समय तो राशन की योजना होगी, हम लोगों ने शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन था, प्रदेश के अंदर 54 लाख पटरी व्यवसायी, कुली, पलेदार, प्रवासी कामगार, श्रमिक, इन सभी लोगों को भरण पोषण भत्ता भी दिया। कार्य प्रभावित हुआ, सरकार उनके साथ संकेत। इसके अलावा सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश के हर प्रवासी और निवासी श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा के रूप में 2 लाख की बीमा का कवर भी दिया और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया। वर्तमान में हम लोग 3 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता भी दे रहे हैं, राशन ही नहीं है वह भी दे रहे हैं, और महामारी के दौरान सरकार के द्वारा उनके साथ खड़ा होना, उनकी पीड़ा के साथ खड़ा होना, ये लोक कल्याण का पक्ष चुनाव की राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है, पहले से चला रहा है, हम लोग कर रहे हैं। कोरोना के साथ योजना शुरू हुई थी और अभी तो योजना आगे भी है, क्यों नहीं था कि तो एक कभी झलक थी। अभी सरकार का प्रस्ताव यह भी है, होली और दीपावली पे उज्ज्वला योजना के हर कार्ड धारक को, हर पात्र परिवारों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे सरकार उनकी पीड़ा के साथ खड़ी है। हम लोगों ने वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए और विधवा महिलाओं के लिए, समाजवादी पार्टी ने उनकी पेंशन रोक दी थी, हमने उनके लिए पेंशन शुरू की, फिर से बहाल किया, उस राशि को बढ़ाया, 12,000 रुपए सालाना 1 करोड़ परिवारों को हम दे रहे हैं। वर्तमान में समय के अनुरूप इसमें बढ़ोतरी भी होगी। देखिए सरकार की मंशा केवल वोट बैंक, ये वोट बैंक बनाने के उद्देश्य से नहीं, लोक कल्याण भाव के साथ उनके सरकार उनके सुख दुख में सहभागी बनेगी और उनकी समस्या का समाधान करेगी, सरकार उसी उद्देश्य से इसको चला रही है। मैं 2 छोटे सवाल तुरंत रख देता हूं क्योंकि कार्यक्रम पूरा करने का संकेत हो गया है। जो खोमचे वाले हैं, रेवड़ी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जो सड़कों पर बैठकर अपनी जीविका कमाते हैं, और ऐसा देखने में आया है कि पुलिस प्रशासन कुछ भ्रष्ट होता है, उनसे अपेक्षा रखता है कि शासन के और आपकी दृष्टि में इसके लिए क्या उपाय हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, आजादी का अमृत महोत्सव है, आप फिल्म सिटी के निर्माण की बात कर रहे हैं, पिछले 75 वर्षों में हमने इतिहास के बहुत सारे नायकों को भुला दिया जो जनजातीय समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अमृत महोत्सव के बाद हम भारत के उन भूले बिसरे नायकों को सिनेमा में या सार्वजनिक जीवन में उनकी कथाएं सुनेंगे, उन पर पुस्तकें देखेंगे या उन पर सिनेमा देख सकेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जैसे पटरी व्यवसायियों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कोरोना कालखंड के अंदर उनके काम धंधे प्रभावित हुए थे, उन सबको 10,000 रुपए तक के इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था, ये प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 8 लाख पटरी व्यवसायी इससे लाभान्वित हो चुके हैं।
दूसरा उनके व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था। देखिए वह शोषण का शिकार क्यों होता है, जब सड़कों पे जहां तहां वे लोग लगाते हैं तो उसी में बहुत सारे लोगों को वसूली करने का अवसर मिलता है, उनका एक व्यवस्थित पुनर्वास हो, सड़कें भी अतिक्रमण से मुक्त रहे लेकिन साथ साथ उनकी आजीविका पर भी असर न पड़े, उसके लिए खुले स्थान। उत्तर प्रदेश में हमने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाया, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स ने 64,000 हेक्टेयर लैंड भू माफियाओं से, यानी जो सत्ता के संरक्षण में प्रदेश की जमीनों पर कब्जा करते थे, ऐसे भू माफियाओं से कब्जे से मुक्त कराई। और फिर ये शहर में भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, फिर वहां पर व्यवस्थित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जिन गरीबों के पास मकान नहीं उनको जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं, दिए गए लाखों लोगों को दिए गए हैं, और शहरी क्षेत्र में गरीबों को हो या फिर पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था। ये काम उत्तर प्रदेश के अंदर धड़ल्ले से चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार हुआ है, आप याद करिए देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। देखिए गांवों में आप अगर देखेंगे, गांव जहां बसा हुआ है उस जमीन की भूमि किसी के, कोई उसका मालिकाना अधिकारी नहीं होता है, उस जमीन का वास्तविक जो मालिक होता है वह ग्राम पंचायत होती है। अब किसी गरीब का घर उजड़ जाता है तो उस बेचारे को बाद में दबंग लोग मकान नहीं बनाने देते। अब आश्चर्य करेंगे कि प्रदेश में 23 लाख से अधिक परिवारों को अब तक प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में अपने घर की जमीन का पक्का कागज मिल गया जो उनके नाम से हो गया है। ड्रोन सर्वे के आधार पर होता है, ड्रोन सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर गांव की खुली बैठक होती है और खुली बैठक में प्रस्ताव लिए जाते हैं और फिर सबकी सहमति के आधार पर वहां पे बकायदा चूना डाल करके उसका सर्वे होता है हर गांव में हर घर का। 23 लाख परिवारों को अब तक अधिकार दिया जा चुका है, यूपी में नंबर एक पर है देश के अंदर और आने वाले समय में हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक देश के नायकों के सम्मान की बात है, ये तो विडंबना ही कही जाएगी। देखिए देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए पांच तीर्थों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भारत की अखंडता की शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। राष्ट्रनायकों को सम्मान कैसे होना चाहिए, अमृत महोत्सव में उन ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो सम्मान दिया जा रहा है सबके सामने है और बकायदा इसके लिए अभियान चल रहा है। यह वर्ष चोरी चोरा की घटना का शताब्दी वर्ष भी है। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी, यह फरवरी माह है, ठीक 100 साल पहले चोरी चोरा की घटना घटी थी। शताब्दी महोत्सव का आयोजन हम लोगों ने किया था, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, समापन के कार्यक्रम में मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं भागीदार हो पाया था, हमारी राज्यपाल महोदय उसके साथ जुड़ी थी। हर एक स्मारक का सुंदरीकरण, हर एक जगह स्मारक का सम्मान होना, वहां कार्यक्रम आयोजित होना, राष्ट्रधुन बजना, और ये पहली बार हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर की तिथि तय होना, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित किया। पाठ्यक्रमों का हिस्सा ये सभी महापुरुष बन सके, राष्ट्रनायक बन सके, इस पर विस्तृत कार्य योजना बन रही। यूपी में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर पाठ्यक्रम में इन सभी महापुरुषों को जोड़ा है और फिल्म सिटी बनने पर, यूपी की बनने वाली फिल्म सिटी अभी से हलचल है और आप देखना जिस दिन यूपी की फिल्म सिटी बनेगी दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी होगी। ये केवल यूपी की नहीं होगी,
दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी होगी और इसमें लोक परंपरा, लोक संस्कृति और लोकल कलाकारों को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। योगी जी, हम लोग का समय समाप्त हो चुका है, आपने हम लोगों को ये समय दिया और एक सार्थक चर्चा हम आपके साथ कर सके, इसके लिए मैं दूरदर्शन की ओर से और हम दोनों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आप दोनों महानुभावों को गोरखपुर आगमन पर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और दूरदर्शन की इस कॉन्क्लेव के दूरदर्शन परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद।